नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज रूम पोस्ट में। मैं हूं आपके साथ रोशनी सिंह। वैलेंटाइन डे को लेकर पूरा बाजार सजा हुआ है। गिफ्ट कॉर्नर सुबह से ही खुल गए हैं। बाजारों में युवाओं का उत्साह देखने को मिल रहा है, लेकिन अब इसके विरोध में हिंदूवादी संगठन भी सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। वाराणसी के 80 घाट पर राष्ट्रीय हिंदू दल के कार्यकर्ता एक हाथ में डंडा और दूसरे हाथ में चेतावनी के पोस्टर लेकर घूमते दिखाई दे रहे हैं। पोस्टर में चेतावनी लिखी गई है कि यदि वैलेंटाइन डे पर अश्लीलता फैलाई गई तो अंजाम भुगतना होगा। इसके साथ ही हिंदूवादी संगठन ने वाराणसी पुलिस कमिश्नर को एक प्रार्थना पत्र भी दिया है, जिसमें घाटों पर अश्लीलता फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई है। राष्ट्रीय हिंदू दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रोशन पांडे के कार्यकर्ता घाटों पर पोस्टर और डंडा लेकर टहलते हुए दिखे। उन्होंने कहा कि वैलेंटाइन डे के नाम पर अश्लीलता फैलाई जाती है, हमारे धर्म में वैलेंटाइन डे का कोई जिक्र नहीं है। आज युवक और युवतियाँ पश्चात संस्कृति को अपनाकर अपनी संस्कृति भूल रहे हैं, साथ ही इसकी वजह से लव जिहाद के भी मामले सामने आते हैं। यही कारण है कि हम लोग लाठी डंडे के साथ इसका विरोध कर रहे हैं और यही विरोध आगे भी जारी रहेगा। इसके साथ ही घाट पर मौजूद अन्य लोगों से हिंदू दल के नेताओं द्वारा ऐसे प्रदर्शन पर जब बात की गई तो उनका कहना था कि वैलेंटाइन डे का विरोध जरूर होना चाहिए, लेकिन इस तरीके से नहीं। हमारे संस्कृति में वैलेंटाइन डे की कोई बात नहीं है, ऐसी परंपराओं से अश्लीलता फैलती है। हमारे सनातन धर्म पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, ऐसे में इसका विरोध जरूर होना चाहिए। आज हम लोग वैलेंटाइन डे के विरोध में यहाँ पे लाठी डंडे के साथ मुस्तैद हैं। हमारे कार्यकर्ता वाराणसी के हरेक घाट पे, हरेक पार्क पे मौजूद मिलेंगे वैलेंटाइन डे के दिन, क्योंकि ये लोग अश्लीलता समाज में जो फैला रहे हैं, जो कामुकता प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके लिए हमारी लाठी तैयार है। मैं खुली चेतावनी दे रहा हूँ, या तो ये सुधर जाएँ और या तो फिर हमारी लाठी के लिए तैयार रहें, दो में से एक चीज़ होगी। और इसके साथ साथ वाराणसी पुलिस कमिश्नर महोदय से मैंने ये मांग किया, उनसे निवेदन कर रहा हूँ कि अपनी पुलिस बल के साथ इन चीज़ों को रोकें, जहाँ भी जरूरत पड़े वहाँ बल का प्रयोग करें, और ये होना बहुत आवश्यक है। इस प्रकार से समाज में गंदगी नहीं फैलाई जानी चाहिए। ये सामाजिक, धार्मिक और एक तरह से समझिए तो बहुत बड़ा ये अपराध है संस्कृति के खिलाफ, तो इसके लिए एक्शन लेनी चाहिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें।